जी भाई अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। शाबाश। चलें बेटा आइए इधर। सब आ गए तो मैं स्टार्ट करूं। वही आईडी सर वही वही आईडी वही पासवर्ड है, ग्रुप पे बता दो कोई बच्चा अगर पूछ रहा है तो। जी बेटा बोलिए, क्या पूछ रही हैं? सर वो 5 के आंसर कंफर्म करवा दें। भाई आंसर कंफर्म कर दो भाई। बेटा बच्ची को आंसर कंफर्म करो, 5 के और 6 के, 5 6 7 जो आकर के बताए थे। फिजा कोई भी नहीं बता रहा बेटा तुम्हें। सर किसी ने किए ही नहीं होंगे। ये सर थोड़ा काम से निकला हुआ था इसलिए कर नहीं रहा सका। ग्रुप में सेंड कर दूंगा सर मैं। चलो ग्रुप में सेंड कर देगा भाई वो, ठीक है। ओके सर। अब आ जाओ बेटा, एक हेडिंग डालो सर कंटिन्यू करेक्शन की। वैल्यू देखने में बहुत मुश्किल आती है। तुम देख लो बेटा, अब उसमें कोई मसला है तो पूछ लो मुझसे, मैं मसला बता सकता हूँ। मुश्किल है और ये, इसका मैं कोई हल नहीं दे सकता तुम्हें, तुम्हें 10 दफा सिखा सकता हूँ मैं, समझी? यस सर। तुम उसको प्रैक्टिस करो, बार बार देखो वैल्यूज ढूंढ ढूंढ के। कोई अपने पास से वैल्यू लिख लिया करो, 0 पॉइंट जैसे तुम ये लिख लो ऐसे 0.481, ऐसे कोई वैल्यू लिख लो, 812। अब तुम इसको ढूंढने की कोशिश करो, ऐसा 4 5 बार कर लो तुम, इनशाला तुम्हें पक्का हो जाएगा तुम्हारे लिए, समझी? जी सर। सर हमारी ना जैसे एक वैल्यू आई है 0.3500, ठीक है। अब इसके करीब तर ये वाली लेंगे, 3485 लेंगे या 3508 लेंगे? सर वेरी गुड। मेरे को लग रहा ये मेरे को क्या होता है भाई, सर मुझे कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है? मुझे बताओ वैल्यू क्या है। 3 5 सर 3500 ये वैल्यू आई है, ठीक है। अब सही है। हमें उसमें देखनी है तो 3485 वाली लें या 3508 वाली लें? जीरो वेरी गुड। देखो मुझे एट देखते वाली। ही पता चल गया 0 8। देखो इसको पता चल गया हम बात को, ये इससे सिर्फ 8 नंबर की दूरी पर है, ये इससे 15 नंबर की दूरी पर है, समझा? सही है सर, ठीक ठीक है है, तो करीब आगे वाली लेंगे। सर। अच्छा कभी कभार ना ऐसा भी होगा, तुम लोगों ने पूछा नहीं मुझसे, मैं वेट कर रहा था कि तुम में से कोई मुझसे पूछ ले। सपोज करो ये 4900 है, एक वैल्यू तुम्हें पता है क्या मिलेगी? 4905। एक वैल्यू तुम्हें पता है क्या मिलेगी? 4895। बताओ दोनों किस किस डिस्टेंस पर है? इक्वल डिस्टेंस पर है सर 5, हाँ दोनों, पांच इक्वल पांच डिस्टेंस सर है बाद वाली पास लेंगे। के, हमेशा बाद वाली लेंगे। रिमेम्बर दिस, जब इक्वल डिस्टेंस हो ना, सबने तो बोला था करीब वाली लेंगे, अब दोनों इक्वल डिस्टेंस पर है, तो जब दोनों इक्वल डिस्टेंस पर हो तो ना हमेशा बाद वाली लोगे, ठीक है? चलो अब आओ बेटा इधर आगे। एक टॉपिक है कंटिन्यूटी करेक्शन, बेसिकली लास्ट टॉपिक बाकी बचा है, और वो लास्ट टॉपिक कौन सा है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। तुम्हें याद है हम लोगों ने पोसोन में अप्रोक्सीमेशन की थी, किसी बच्चे को याद है? यस सर। यस साया वो सर। खुद करना है, खुद करना है, मसला होगा तो फिर मैं बताऊंगा, पहले खुद करना है। साया के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 रह गया है, तो मैंने कहा तुम लोग खुद करो, कोई मसला होगा तो मैं बताऊंगा। परसेंटाइल उसमें इंक्लूडेड है, तो मैं चाह रहा हूँ तुम जरा देखूँ तुम्हें परसेंटाइल वगैरह याद है ही नहीं याद है, मैं बता दूंगा अगर मसला होगा ना, सुबह पूछ लेना पहले। कंटिन्यूटी करेक्शन, कंटिन्यूटी करेक्शन करने से पहले बच्चों मेरे, तुम्हें याद होगा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने तुम्हें एक टॉपिक पढ़ाया था, पॉइसन अप्रोक्सीमेशन टू द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, किसी बच्चे को याद है? जी सर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। वो क्या था मैं आपको बताता हूँ, डेटा बाइनोमियल का होता था, लेकिन हम उसके ऊपर अप्लाई पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे, ऐसा ही है? यस सर। वेरी जी गुड। सर। डेटा बाइनोमियल का होता था और उसके ऊपर हम अप्लाई किया करते थे पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा बाइनोमियल के ऊपर हम लोग अप्लाई किया करते थे पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब पता क्या होगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई होगी बेटा, कि कोई बच्चा तफरी करने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चा कौन है? वीवो 1907 19। इसको बोलो पहले तो ये अपना नाम लिख ले, ठीक है? और दूसरा, मैंने एनोटेशन में ना यहाँ पे नाम ऑन किए हैं, मतलब जो भी एनोटेशन करेगा ना उसका नाम मुझे पता चलेगा,
गलती से हो गया तो कोई मसला नहीं है, तफरी करोगे तो फिर मैं नानी याद दिला दूंगा तुम्हें, तुम्हें पता है। ठीक है, तो जो बता रहा हूँ ना सिंपल सुनो जरा सुकून से मेरी बात। बाइनोमियल के ऊपर ना हम पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते थे, उसे हम लोग पॉइसन अप्रोक्सीमेशन बोलते थे। अपना नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई होती है, तुम्हें पता है बात। बाइनोमियल के ऊपर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई करते हैं, यानी बाइनोमियल के ऊपर दो हो गए, बाइनोमियल के ऊपर पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई हो सकती है और नॉर्मल अच्छा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई हो सकती है। और अब आ जाओ पॉइसन के ऊपर, पॉइसन के बाद एक ही पढ़ाई है, और वो कौन सी पढ़ाई है बेटा, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन के ऊपर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी अप्लाई हो सकती है। इस टॉपिक का नाम पता है क्या बनेगा, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा क्या नाम बनेगा, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पॉइसन सिर्फ एक ही पर अप्लाई हो सकती है और वो है बाइनोमियल, जबकि नॉर्मल बाइनोमियल पर भी अप्लाई हो सकती है और नॉर्मल पॉइसन पर भी अप्लाई हो सकती है। ये बात समझ में आई तुम लोगों को मेरी? यस सर, वेरी यस गुड, सर, जबरदस्त। लेकिन ये ना थोड़ी देर का बात का टॉपिक है, इससे पहले का टॉपिक क्या है, क्या बाइनोमियल का जो वेरिएबल होता था क्या वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल होता था बेटा, बाइनोमियल यस प्रोबेबिलिटी। यस सर, जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखो तुम्हें याद है। और पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी, तो वहां पर एक यस सर, मसला नहीं होता था। लेकिन अब मसला पता है क्या है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूजेस कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल इस्तेमाल करती है। सही कह रहा हूँ मैं इस बात को बेटा? यस यस। सर, जबकि बाइनोमियल और पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल इस्तेमाल करती हैं। तो जब आप डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं बेटा, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं बेटा, तो सबसे पहले आपको वेरिएबल को एडजस्ट करना पड़ता है, वेरिएबल को एडजस्ट करना पड़ता है, डिस्क्रीट से उसको कन्वर्ट करना पड़ता है बेटा किसके अंदर, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, कंटिन्यूअस वेरिएबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है। याद है शुरू शुरू में मैं क्लास बाउंड्रीज बनवाया करता था तुम लोगों को इंटरवल्स की मदद से, वहां यस सर, बताया था पर हमने। भी क्या होता था, ये डिस्क्रीट इंटरवल होते थे, मतलब ये इंटरवल कहीं और खत्म हो रहा है स्टार्ट कहीं और से हो रहा है, तो इनको जी कंटिन्यूअस यस, बनाने के लिए एक में 0.5 प्लस करते थे और एक जगह 0.5 माइनस किया करते थे, इफ यू रिमेम्बर। यस सर, यस, वेरी गुड बेटा, ये तुम्हें याद है। अब बिल्कुल इसी तरीके से ना बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने के लिए पहले वेरिएबल को एडजस्ट करना पड़ेगा, पॉइसन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करने के लिए वेरिएबल को एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई यहाँ तक? यस जहन सर, में ना सवाल आ रहे होंगे, सर बाइनोमियल के ऊपर कब पॉइसन लगाएंगे, तुम पूछोगे नहीं मुझसे लेकिन ये जहन में सवाल आएंगे, पूछोगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें पता भी सर ने बताया नहीं है, खुद बताएंगे ये अभी थोड़ी देर में, लेकिन जहन में ना ये सवाल घूम रहे होंगे, बाइनोमियल पर पॉइसन भी लग सकती है, अब बाइनोमियल पर नॉर्मल भी लग सकती है, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ कब मैं बाइनोमियल पर पॉइसन लगाऊं, कब मैं बाइनोमियल पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाऊं। तो ये सारा फ्लो चार्ट मैं अभी तुम्हें बना कर दूंगा आज ही की क्लास में, लेकिन सबसे पहले तो हम ये बात कर लें कि भाई वेरिएबल की एडजस्टमेंट होती है, ये बात तुम्हें समझ में आ गई, क्योंकि बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन आर द डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड ऑन दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू अप्लाई द नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज यूजेस द कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, इट मींस फर्स्ट वी हैव टू एडजस्ट द वेरिएबल बिफोर अप्लाइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू दैट बाइनोमियल और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा क्या मेरी बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस सर, इस चीज को हम लोग कंटिन्यूटी करेक्शन बोलते हैं। ठीक है बेटा, देखो मैंने यहाँ पे ये लिखा तो मैं, मेरी बात समझ में आएगी, आई जस्ट रोट हेयर डी आर वी, डी आर वी का मतलब बताओ बेटा, डीआरवी का मतलब डिस्क्रीट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम और सीआरवी का वेरिएबल, मतलब होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल कंटिन्यूअस बेटा। रैंडम वेरिएबल। वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अब देखो इधर मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बेटा अगर लिखा हुआ हो एक्स ग्रेटर देन 4 लिखा, तुम्हें पसंद नहीं आता तो मुझसे 10 लिखवा सकते हो, तुम्हें पसंद ना आए तो कोई और नंबर लिखवा सकते हो। बताओ डिस्क्रीट में, डिस्क्रीट वेरिएबल में ग्रेटर देन 10 का मतलब पता है मेरे बच्चों को, किसी को क्या मतलब होता है, 10 से आगे वाली यानी आगे 11, वाली सर, यानी 12, यानी 13, 15, सो ऑनवर्ड्स बेटा, 15, सो ऑनवर्ड्स। यस सर, अब यस कंटिन्यूअस सर, वेरिएबल क्या बोलती है, अगर आपको इसको कंटिन्यूअस में कन्वर्ट करना है, मैं आगे रूल भी लिखता जाऊंगा इसका,
अगर x ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है आपने लिखना है 10.5, यानी ऐड 0.5 बेटा, ऐड 0.5, ये मैंने इसमें रूल लिख दिया। आप चेक करो डिस्क्रीट में आपको पहली वैल्यू क्या चाहिए, 11 चाहिए ना, जो आपको पहली यस वैल्यू सर। चाहिए उससे 0.5 कम कर देते हैं बेटा, यानी 11 चाहिए तो देखो 10.5 लिख दिया मैंने। इसके हिसाब से देखोगे ग्रेटर देन में 10 लिखा हुआ है तो बेटा ऐड 0.5 यानी 10.5 बन गई बात। ये इसमें टोटल चार पांच केसेस हैं, मैं तुम्हें वो पांचों छह केसेस दिखाता हूँ, ठीक है। अब बताओ अगर डिस्क्रीट में लिखा हुआ, बार बार रिपीट कर दूंगा घबराना नहीं, ठीक है। लिखा हुआ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10, बताओ इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का। सर 10 भी और उससे आगे यस वाली, 10 टेन से डिस्क्रीट में ना बड़ी। ग्रेटर देन 10 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का मतलब अलग अलग होता है, तुम्हें पता ही ये बात है ना, यस कंटिन्यूस यस में एक ही बात होती है एंड सो ऑनवर्ड्स बेटा। अच्छा अब देखो इसका रूल क्या है, इसका रूल ये है कि भाई एक्स ग्रेटर देन 9.5 यानी सब्ट्रैक्ट 0.5, देखो जो पहली वैल्यू चाहिए उसमें से 0.5 कम कर दिया बेटा, उधर पहली वैल्यू 11 चाहिए थी तो 0.5 कम करके 10.5 बनाया, इधर पहली वैल्यू 10 चाहिए तो 0.5 करके 9.5 बनाया, बताओ यहाँ तक किस में चेंज। देखो दो दोबारा तरीके हैं, बताइएगा ये दो बात। तरीके हैं फिजा, दो तरीके हैं, या तो ये याद कर लो बेटा ठीक है, या ये जो लॉजिकली बात याद करो, मुझे ग्रेटर देन 10 चाहिए तो जो भी आपको वैल्यू चाहिए यानी 11 12 13, तो पहली वैल्यू 11 चाहिए ना बेटा, बोलो, तो उससे आपने 0.5 कम कर दिया यानी 10.5 हो गया। यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 का मतलब है आपको पहली वैल्यू क्या चाहिए बेटा, पहली वैल्यू 10 चाहिए ना, उसमें 0.5 कम कर दिया 9.5 हो गया। अब तुम ये दो ब्रैकेट वाली बातें याद कर लो या ये लॉजिक वाली बात याद करो, जैसे तुम्हें याद रहे वो याद रख लो ठीक है। ठीक है सर। यस सर। अब आ जाओ इसके ऊपर बेटा, तीसरे नंबर पर मैंने लिखा एक्स लेस देन 10, बताओ एक्स लेस देन 10 का मतलब क्या हुआ, सर उसके नीचे वैल्यू चाहिए हमें, नाइन वन से लेकर चाहिए, नाइन तक। 9 चाहिए, 7 चाहिए, 6 चाहिए एंड सो ऑन वर्ड, सही लिखा मैंने। यस सर। अब देखो इसमें क्या होगा, जो आपको पहली वैल्यू चाहिए उसमें आप 0.5 ऐड कर दें, एड 0.5 बेटा, क्या मैंने सही लिखा बेटा, यस सर। बोलो मंजूर। यस सर। और अगर लिखा हुआ होता एक्स लेस देन इक्वल टू 10 बेटा, तो अब बताओ तुम्हें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होती है बेटा, 10, 10 भी 9 9, 8 7 6 8, 7 सोन। एंड सो ऑनवर्ड्स, तो फिर आपको यहाँ लिखना पड़ता क्या बेटा, एक्स लेस देन 10.5, क्या बेटा मैंने सही लिखा, सर सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, ये मैंने क्या किया है ऐड ऐड कैसे? एड, सही लिखा है मैंने, ये ऊपर वाले में कुछ लिखना पड़ेगा मुझे, ओके ये मैंने ऐड गलत लिख दिया, सब्ट्रैक्ट आ गया, ये सब्ट्रैक्ट किया ना मैंने, ये सब्ट्रैक्ट किया ना बेटा, जी। 10 में से सब्ट्रैक्ट किया 0.5 तो 9.5 आ गया, ठीक है बेटा। ये रूल्स याद कर सकते हो आप बच्चों मेरे, ये चार बातें ठीक है, दोबारा लिखते हैं इसे, दोबारा देखते हैं, बस दो याद कर लोगे तो दो अपोजिट हो जाएंगे। देखो ग्रेटर देन में अगर आपने 0.5 ऐड किया तो लेस देन में 0.5 क्या करना पड़ गया, सब्ट्रैक्ट, बोलो, जी सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू में आपने 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो लेस देन इक्वल्स टू में 0.5 ऐड कर दिया आपने बेटा, यस बोलो बोलो मंजूर। सर। इसका बस एक रूल वाले पाछो थोड़ी देर में बताता हूँ अभी, पहले ये चार याद करो तुम बैठ के, बताओ ग्रेटर देन 10 मैं लिखता हूँ अगले पेज के ऊपर, अगर मेरे पास लिखा हुआ चलो मैं सर तुम्हें एक बताता मिनट हूँ, ऊपर एक मिनट रुक जा, मैं तुम्हें बताता हूँ स्क्रीन पे कौन लिख रहा है, स्क्रीन पे नहीं ये अब्दुल मोमिन लिख रहा है, इसका नाम आ गया मेरे पास, अब बता अब्दुल सर मोमिन हाथ क्लास, लग हाँ वेरी गुड शाबाश आई लाइक इट। जी बेटा सुनो फिजा, फिजा ऊपर वाला कॉपी करना है तुमने, ये जी सर। देख लो, जी बेटा कर दूं चेंज, यस सर। चलो देखो अगर लिखा हुआ एक्स लेस देन 25, ये डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस यहाँ लिखना है तुमने,
सबट्रैक्ट करेंगे इसमें 0.5। जी, तो मुझे आंसर बताओगे? ठीक है, मुझे लिखने दो सारे, फिर आंसर बताना। लिखा हुआ x ग्रेटर देन 44, चौथे नंबर पे लिखा हुआ x ग्रेटर देन 20, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20। चलो जी बेटा 25, बताओ क्या लिखूं? 24.5। x लेस देन 24.5, वेरी गुड बेटा, शाबाश। लेस देन 30.5। 30.5, बहुत जबरदस्त, दोनों सही है। 43.5, sorry 44.5, 44.5, शाबाश। और ग्रेटर देन इक्वल टू 20, 19.5। अब देखो, पता है मैं कैसे याद करता हूँ, बोला यार मुझे 20 और 20 से बड़ा ही चाहिए, यानी 20 कवर करना है, क्योंकि दो ही बातें पॉसिबल है। इस 20 को या तो तुम 25 लिखोगे या 19.5 लिखोगे, इसके अलावा तो कुछ और नहीं लिखोगे ना, 0.5 प्लस करना है या 0.5 माइनस करना है, सही है? अगर सपोज करो मैं गलती से इसको 20.5 लिख बैठता, तो x ग्रेटर देन 20.5 का मतलब क्या होता? 20.5 से बड़ी 20 तो नहीं आता ना इसके अंदर, बोलो नहीं आता। बताओ, 20 तो नहीं आता ना इसके अंदर बच्चों? रोहन अहमद, नो सर, नहीं आता। तो इसका मतलब मैंने ये 20.5 गलत लिख दिया बेटा, है ना? मुझे क्या लिखना चाहिए बेटा? यस सर, 19.5। 19.5। क्लियर हो गया मेरी बात? अब इसी तरीके से ये देखो, मैंने सपोज करो ये 30.5, तो 0.5 या तो ऐड करूंगा या सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐड करने के बजाय मैंने यहाँ लिख दिया 29.5, तो अब ये बताओ क्या बन गया? लेस देन 29.5 बन गया। यस सर। और लेस देन 29.5 में 30 तो आ नहीं रहा बेटा, बोलो। यस सर, ऐसे प्लस से पड़ेगा। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, ये लॉजिकली याद हो गया। क्लियर मेरी बात? अब देखो ये लिखा हुआ है x लेस देन 25, पहले वाले की बात कर रहा हूं। अगर बच्चा, अभी मैंने 0.5 माइनस किया, सपोज करो ये करने के बजाय मैं 0.5 प्लस कर देता, तो लेस देन 25.5 का मतलब होता है 25 भी आ जाता है इसके अंदर, जबकि मुझे 25 तो चाहिए ही नहीं, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो ये याद करने का एक तरीका हो सकता है, क्या मेरी बात क्लियर बच्चों? यस सर, वेरी गुड। अब आ जाओ, इसमें एक केस और है। एक केस क्या, अगर लिखा हो x इज इक्वल टू 4, डिस्क्रीट में होता है ना, डिस्क्रीट में 4 की वैल्यू निकाली जा सकती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 4 की वैल्यू नहीं निकाली जाती, एरिया की निकाली जाती है, एरिया की। तो 4 का मतलब ये होता है, ये तो बहुत आसान है, कि 0.5 माइनस कर दो और 0.5 प्लस कर दो, इक्वल्स टू वाला सबसे आसान होता है। 0.5 माइनस कर दो और 0.5 क्या कर दो, प्लस कर दो। डन है बेटा? बिटवीन वाला सर जी, अगर x इज इक्वल टू 10 लिखा हुआ होता, बताओ डिस्क्रीट में, तो मैं से कंटिन्यूस में क्या लिखता? 9.5 और 10.5। क्या मेरी बात क्लियर? यस सर। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। बताओ अगर लिखा हुआ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15, ठीक है, आंसर नहीं बताना, पहले मुझे लिखने देना। x लेस देन इक्वल्स टू 14, x ग्रेटर देन 19, x लेस देन 15, x इज इक्वल्स टू 10। छठे नंबर पे देखो मैं क्या लिखा हूँ, x ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। सातवें नंबर पे देखो क्या लिख रहा हूँ मैं, x ग्रेटर देन 19 बट लेस देन इक्वल्स टू 25। और आठवें नंबर पे देखो क्या लिख रहा हूँ, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 बट लेस देन 20। ठीक है बेटा, ये जरा लिखवाओ तुम लोग मुझसे, जरा बताओ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 15 क्या लिखवाओगे? सर 14.5। बहुत खूबसूरत, बिल्कुल सही हुआ बेटा। अगला बताओ, 14.5, बिल्कुल सही किया आपने। अगला बताइए सर, 19.5। भैया तुम तो सीख गए, जबरदस्त। अगला बताओ, आराम से बोलो सर, 14.5। वेरी गुड, बहुत खूबसूरत बेटा। अब ये देखो x ग्रेटर देन 10 लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन 10 में क्या आना चाहिए, सोच के बताओ सर। 10.5 और यहाँ बताओ 9.5 क्यों नहीं आया? 19.5। वेरी गुड, चलो भाई हफीज कह रहे 9.5 लिखें। हफीज देख, मैं दिल नहीं तोड़ता किसी का, मैंने लिख दिया 9.5। अब बता देख, 9.5 x ग्रेटर देन 9.5 का मतलब क्या, 10 भी शामिल हो जाएगा? यस सर, जबकि मुझे 10 चाहिए, 10 से बड़ी वैल्यू चाहिए, समझा? वो लेसन समझ रहे थे। हाँ, लेसन समझ रहे थे। अच्छा, सही है, ठीक है। अगला 19.5। 19.5, बिल्कुल सही लिख पाया। अगला बताइए बेटा, गौर से देखिएगा, एक दफा एक तरफ ग्रेटर देन और एक दफा लेस देन इक्वल्स टू है।
19.5 और ये 20.5 आया सर. 25.5 सही लिखा. यस सर. अगला बताओ सर. ये आएगा 25.5 आएगा. 9.5 आएगा. 19.5 इधर 9.5 आएगा. इधर किसी ने 10.5 बोला था. यस सर वो ग्रेटर देने ना आएगा जी. 9.5 समझ आ गई बात बेटा मेरी. यस. अच्छा मैंने अपना पहला लेक्चर रिकॉर्ड ऊपर अपलोड कर दिया ड्राइव पे. ठीक है हो गया अपलोड. मैसेज आ गया मेरे पास. अच्छा जी ये भी अपलोड करेंगे अभी हाथ कर इंशाल्लाह. बताओ ये समझ में आ गया मेरे बच्चों को. अब आप मुझसे 5 मिनट लीजिए और अब मेरी एक्सरसाइज देखें. इसकी पूरी प्रैक्टिस दी हुई आपके भाई ने आपकी किस में. देखो क्या मैंने पूरा टेबल बनाकर दिया हुआ है इसका. सर क्वेश्चंस लिखे हुए हैं. क्वेश्चंस लिखे हुए ना दिया हुआ है ना पूरा बनाकर मैंने. यस सर. यस जॉब कर सकते हो. यस सर कर लेंगे. ठीक ठाक सवाल आते हैं प्रैक्टिस के. ये सारे सवाल करो फिर इस हाथ के आदेश का जवाब दो. क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं मुन्ना क्या दिखाऊं क्या दिखाऊं बोलो. स्लाइड सर पहली वाली ये थी. ये भी मैं सब दोबारा बताऊंगा जी. बड़े 20 क्वेश्चंस दिए. कर सकते हो 20 क्वेश्चंस. यस सर. यस सर. चलो करो जल्दी से. शाबाश सर. ये साइड पे पेन आ रही है क्या. साइड पे पेन आ रहे हो तुम उस पेन को दबाकर ना स्क्रीन पे कुछ भी लिख सकते हो. मतलब अंग्रेजों ने जब स्लाइड बनाई ना. अब जैसे सुनो मैं बता दूं. ट्राई अभी कर लियो मैं करवा दूंगा ट्राई. हाँ कुछ भी लिख सकता है. मेरा नाम लिख दे तू. ये अंग्रेजों ने बनाई ना ये. उन्होंने ये लिखा कि जैसे साकिब साहब लिख रहे हैं स्क्रीन पर बच्चों को नजर आ रहा है. अब ऐसे ही बच्चा कोई चीज सवाल पूछना चाहे या कोई तरफ इशारा करना चाहे साकिब साहब को नजर नहीं आ रहा है भाई कहाँ बात कर रहा है तो बच्चा टिक लगाकर बता सकता है सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ सर मैं इसकी बात कर रहा हूँ. ये इसके लिए होता है. लेकिन हम लोग तो तुम्हें पता है हम लोग हैं. हम लोग मिसयूज करते हैं चीजों का. हम यहाँ पे बटन से बच्चे माइक खोल के डायरेक्ट बोल देंगे. हाँ इसके अलावा लिखना भी चाहे तो लिख सकते हैं. और तुम देखो मैं चाहूँ तो मैं पेन बंद भी कर सकता हूँ. ये देखो तुम्हारे पास से बंद हो गया पेन. हो गया सर. हो गया ना बंद. तो ये मैंने ऑन किया हुआ क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चे कोई उल्टी सीधी हरकतें करेंगे नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह जब हम लास्ट क्लास ले लेंगे ना उस दिन मैं तुम्हें मौका दूंगा स्क्रीन पर लिखने का. जो तुम्हें लिखना होगा ना तुम लिखना बैठ के आराम से. उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा फिर तुम्हें अपने पास सेव रखना कि हम कैसी हरकतें करते थे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में. सर ये पेन आता कहाँ पर है. ये आपके पास थोड़ी आएगा मेरे पास आएगा ना. मैं करूंगा ऑन तो आपकी स्क्रीन पर आएगा. अच्छा नहीं सर ऑन भी करते हैं तो कहाँ पर है. साइड में आता है बना हुआ यूं करके कुछ बना हुआ होता है ऐसे. सही है तुम इसे कोई मोमबत्ती तो नहीं समझ रही है. मोमबत्ती बनी है पेन है ये. कुछ और तो नहीं समझ. देखो आ गया सर मेरे पास. यस सर आ गया. आ गया ना. फिजा कोई बात नहीं है इतनी टेंशन की बात नहीं है. अगर नहीं आया तो खैर है. चलो जल्दी से ये करो काम बेटा. मुझे लग रहा है एक क्लास और लेनी पड़ेगी ये पूरा कंप्लीट कराने के लिए. यार सर तुम देख रहे हो सुबह से मैं कितना बना हुआ. सुबह कब से क्लास लेना शुरू की थी ना मैंने. सुबह क्लास ली फिर तुम लोगों की बीसी की क्लास होती है कंबाइन तो मेरा ब्रेक दे दिया हसन साहब ने. हसन साहब ने कहा सर आप सो जाएं. अब मैं फिर सोया. फिर मेरी 2:45 क्लास थी 8:00 की. 2:45 से 4:00 तक मैंने उनकी क्लास ली. फिर मैंने ब्रेक किया. फिर 6:00 तुम्हारी क्लास रखी मैंने. अब फिर देखो मेरा पूरा संडे बर्बाद हो गया. हमारा भी सर. सर कोई बात. तुम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो ना तुम्हें तो करना पड़ेगा. चलो बेटा जल्दी करो. शाबाश ये आज कंप्लीट कर लेंगे ना इंशाल्लाह. सुबह की क्लास में मैं सैंपलिंग स्टार्ट करूंगा ठीक है. और कल रात की क्लास में इंशाल्लाह प्रोबेबिलिटी के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस थोड़े अच्छे लेवल के थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस ताकि जो बच्चे वर्कशॉप नहीं ले रहे उनका भी फायदा हो जाए. उन बच्चों के लिए मैं क्लास रखूंगा. सबके लिए रखूंगा ऑफकोर्स लेकिन उनको मैं कुछ क्वालिटी वाले क्वेश्चंस कराऊंगा प्रोबेबिलिटी के ठीक है.
सर वर्कशॉप लेनी चाहिए या नहीं? मर्जी है तुम्हारी फिजा बेटा, जैसे तुम चाहो। पर सर हमारे सीनियर्स मतलब जो थे बड़े क्लास में जून वाले और उससे पहले, वो लोग कह रहे थे कि ले लो अच्छा होता है, पीडीएफ सॉल्व करवाते हैं और सारा रिवीजन भी हो जाता है। हाँ तो रिवीजन होता है उसके अंदर पूरा, बस ये होता है। हमने तो ले लिया है। गुड जबरदस्त बंदा। मैं रिवीजन आपको, जिन लोगों ने नहीं लिया उनको मैं रिवीजन यहीं करा दूंगा इंशाल्लाह ताला अपने पास बिठा के रात वाली क्लास में। जी बेटा हाइपर ज्योमेट्रिक करवा दी थी आपने? वो मैं कराऊंगा इसके बाद, करा दूंगा कल वल करा देंगे रात में, करा चुका हूँ, बस दिखानी है थोड़ी सी, बतानी है वो बता दूंगा इंशाल्लाह। मैं बताओ ये हो गया 20 सवाल? थोड़े से लगे सर बस। सर वैसे हमारा नया चैप्टर कब से स्टार्ट होगा? कल सुबह से सर। बाकी ये जो आगे तीनों चैप्टर्स हैं हाइपोथेसिस सैंपलिंग, ये तो काफी छोटे छोटे हैं। बहुत छोटे हैं। मंडे से स्टार्ट करूंगा ना, मंडे से फ्राइडे तक सैंपलिंग और एस्टिमेशन निपटा भी दूंगा मैं, मंडे से फ्राइडे तक अपने हैंडआउट समेत। सैटरडे संडे और शायद मंडे और शायद ट्यूसडे, अगले चार दिन में हाइपोथेसिस और काई स्क्वायर भी करा दूंगा। ट्यूसडे को डेट बताओ कितनी होगी? कल 23 ना, 31 होगी शायद ट्यूसडे को। 31 तारीख तक काम कंप्लीट कर दूंगा अपना पूरा, समझा? जी हो गया बेटा ये 20 सवाल। आंसर बताएंगे? हाँ कंफर्म कर दूंगा। हाँ वही वही। तो मैं सब वर्कशॉप ले रहे हो? नो सर। तो मैं अपनी ना यार रिवीजन क्लासेस रखूंगा रात में ना इंशाल्लाह ताला, तो जो बच्चे नहीं कर पाए रिवीजन क्लासेस रखें वो मैं इंशाल्लाह पूरा रिवाइज करा दूंगा आपको सारी चीजें एक एक चीज, ठीक है सर? बेहतरीन हो जाएगा। शायद कल से जो है वो मैं प्रोबेबिलिटी के, जो मैंने बोला ना क्वेश्चंस के, तुमने प्रोबेबिलिटी अभी ताजा ताजा पढ़ा हुआ है, भूल ना जाओ, तो मैं कुछ क्वेश्चन हैंड आउट बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला, जिसमें जो बच्चा वर्कशॉप नहीं भी ले रहा तो उनके सारे सवाल हो जाए वो, ठीक है बेटा? करा देंगे इंशाल्लाह, डोंट वरी। चलो आंसर बताना शुरू करूं? यस सर। देखो बच्चे, पहले वाले का लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, तो 1.5 और 10.5, सही बोला मैंने सर? ये मैं ऐसे लिखूंगा, मैं ऐसे लिखूंगा 1.5 और 10.5, फिर आएगा 2.5 और 9.5, बोलो। यस सर। यस सर। फिर आएगा बेटा 10.5 एंड 20.5.5। यस सर। वेरी गुड बेटा। फिर आएगा 2.5 एंड 8.5। यस सर। चौथे का बता। फिर आएगा बेटा 65.5। यस सर। फिर आएगा बेटा 64.5। Yes, sir. फिर आएगा बेटा 65.5 एंड 74.5। ठीक है सर। फिर आएगा बेटा 109.5। Yes, sir. ठीक है। फिर आएगा बेटा 55.5। वेरी गुड बेटा। फिर आएगा 64.5 और 65.5 बेटा, वेरी गुड। फिर आएगा बेटा 500 से बड़ा चाहिए, 500 0.5 और फिर 650.5, बोलो बेटा, मंजूर? यस सर। फिर लिखा हुआ x = 80, तो मैं समझ गया बेटा 79.5 और
80.5 बोलो मंजूर, फिर आएगा 95.5 यस सर, फिर आएगा बेटा 195 और 200.5 यस सर, फिर लिखा 43 लिखा है ना जी सर, 42.5 एंड और 52.5 बेटा सही लिखा बच्चे, 7.5 और 8.5 सही है, फिर क्या लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 510 यानी 509.5 यस सर, फिर लिखा लेस देन 11 यानी 10.5, फिर लिखा 37.5 यानी 36.5 और 48.5 बोलो मंजूर, 54.5 और 55.5 ये प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस करोगे देखो और फौरन बता दो, बोलो समझ में आ गई मेरी बात? यस सर, वेरी गुड सर। अब मेरी बहुत छोटी सी क्लास रह गई है, शायद 15-20 मिनट की क्लास बाकी बची है, लेकिन मीटिंग ना एंड होने वाली है, सिर्फ 8 मिनट बाकी बचे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो मैं बात बताने वाला हूँ ना वो एक वीडियो में आ जाए पूरी, तो मीटिंग एंड करके फौरन मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है? एक मिनट लगेगा, कर दूँ? यस सर, यस सर।